हेलो गाइस, मैं हूँ शिखा और आज मैं आप लोग के लिए लिख के आई हूँ अपना किचन टूर। और एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, वो हमारा पुराना घर था, रेंटेड अपार्टमेंट था वो पुराना। और अभी चूंकि हम लोग 2-3 महीने से नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ के अभी आपको किचन दिखाया जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले गाइस मैं आपको अपने किचन की लेंथ दिखा देती हूँ क्या है। तो आप देख सकते हो इतना बड़ा किचन है ये, और काफ़ी बड़ा है, पुराने वाले से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसा हमारे घर में जितनी लेंथ होती ना, उस हिसाब से होता है। काफ़ी मुझे पसंद है। और आप देख सकते हो यहाँ से कुछ कुछ मैं लुक आपको अपने किचन का दिखा देती हूँ। तो ये रैक वो है जो मैं आपको बोल रही थी, और उसके ऊपर भी बहुत सारे कबर्ड्स बने हुए हैं जिनमें हम लोग अपना पुराना सामान रख देते हैं, जिससे कोई सामान फैला नहीं रहता है। जिन लोगों ने मेरा पुराना किचन टूर देखा होगा, उन्हें पता होगा कि यहाँ पे फाउंटेन बुद्धा रखे जाते थे पहले, बट अभी मैंने यहाँ पे ग्लास बॉटल रखी है, उसमें मनी प्लांट लगाया है, देन 2 बैम्बू स्टिक्स मैंने यहाँ पे लगाई है। मेरा बैम्बू ट्री में था ये, और इन्फेक्ट कर रहा था, ख़राब कर रहा था पेड़, तो मैंने इनको अलग सेपरेट कर दिया। फिर यहाँ पे मेरी बास्केट है जिसमें मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखती हूँ, आलू, लहसुन, प्याज और अदरक। देन ऊपर वाले कंपार्टमेंट में आप देखेंगे कि उसमें संतरे रखे हुए हैं, और एक ब्लैक कलर का जो डिब्बा रखा है उसमें मैं अपने चार्जर्स वगैरह रखती हूँ, क्योंकि मैं यहीं पे चार्ज करती हूँ फ़ोन ऑन, बिकॉज और जगह अगर करती हूँ तो मेरा बच्चा खींच लेता है। फिर एक कॉर्नर का एरिया है जहाँ पर रखा हुआ है मेरा ऑयल कंटेनर, एक मैंने यहाँ पे जूस जार रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ मैं कुछ स्पैचुला वगैरह रखती हूँ, और ये जो आप देख सकते हो गैस की पाइप, ये जो है ये अंदर से नहीं निकल पा रही थी तो हम लोगों ने बाहर से ही किया, और ये ऑरेंज कलर की थी तो इसको मैंने छुपाने के लिए ब्लैक कलर के मैंने पॉलीथीन से उसे छुपाया है। देन आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्पैचुला और मेरे नाइफ और पीलर वगैरह रखे हुए हैं। फिर ये मेरा गैस स्टोव बहुत बेसिक सा है, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ बट अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और दूसरा ये यहाँ पे कुकर वगैरह, और उसके ऊपर कुछ अंगूर मैंने टोकरी में धुल के रखे हुए हैं खाने के लिए। सिंक वगैरह एरिया है यहाँ पे, और ये जो है ये मेरी बर्तन की रैक है, इसको हम लोगों ने बांध के रखा हुआ है इस जाली से। और ऊपर वाले में आप देख सकते हो 2 मग रखे हैं, मग वग नीचे पड़े रहते हैं तो टूट जाते हैं, इसीलिए मैंने एक बास्केट को अपनी इस जाली से बांध दिया है जिससे वो गिरे नहीं। उसके नीचे भी मैंने एक जाली रखी है जिसमें मैं छोटे छोटे बर्तन रखती हूँ, क्योंकि बहुत ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाती है और गिर गिर जाते थे रैक से, तो मैंने बस यही किया है। इतने बड़े स्टैंड में बहुत सारे मेरे बर्तन रखे हुए हैं, और कैसे रखे हुए हैं आप देख सकते हैं, एक बर्तन के अंदर कुछ बर्तन रखे हुए हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा जगह सेव हो जाती है, काफ़ी सारे बर्तन इसमें आ जाते हैं, क्योंकि अभी बेबी भी है तो बहुत सारे बर्तन यूज़ होते हैं, उसके लिए भी अलग टाइप का खाना बनाना पड़ता है तो बहुत सारे बर्तन रख जाते हैं, बस वही है ये। तो ये आपने मेरा पूरा स्टैंड देख लिया, मेरे बर्तन का स्टैंड देख लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने, ये एक्चुअली क्या है आप इसको सही से नहीं देख पा रहे होंगे, बिकॉज़ मैंने मॉर्निंग में शूट किया तो सनलाइट बहुत इधर से आ रही थी। और यहाँ पे मैं किचन का कपड़ा रखती हूँ जिससे मैं स्लैब वगैरह क्लीन करती हूँ, और यहाँ वाइपर है, एक यहाँ पे डिश वॉश की बॉटल है, उसमें मैंने जो हमारे पास हैंड वॉश वाले पम्प्स होते हैं ना वो लगा दिया मैंने, और इसी से यही रखा रहता है, मैं इससे निकाल लेती हूँ डिश वॉश। अब यहाँ पे नीचे सिंक का एरिया आता है, वहाँ पे 2 ऐसे ग्लास बॉटल्स रखी हैं जिन्हें मुझे यूज़ करना है, खाली हो गई। उसके बगल में एक स्क्रब रखा हुआ है जिससे मैं नीचे वाला एरिया और अपना सिंक पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ। ये आप डिब्बा देख सकते हो जो बंद है, उसमें मैं गीला कूड़ा रखती हूँ, और जो ब्लू वाला आपने देखा होगा एक ट्रे टाइप की है उसमें मैं सूखा कूड़ा रखती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पूरा लॉन्ड्री सामान का स्टोरेज है, साथ में यहाँ पे कुछ सामान और भी हैं जैसे साबुन वगैरह, फिर यहाँ एक ब्लू कंटेनर, फिर उसके बाद इस सिलेंडर, और ये एक मैंने झोला रखा हुआ है, एक बैग रखा हुआ है जिसमें मैं जो भी मेरे प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो डाल देती हूँ, और काफ़ी काम आते हैं ये। फिर यहाँ पर मैं अपना आपको दिखा रही हूँ जो भी हमारे पास अनाज है, तो यहाँ पर ऊपर दाल चावल रखा हुआ है, नीचे आटा रखा हुआ है पूरा कंटेनर भर के, अभी रिसेंटली आया हुआ था आटा। फिर ये एक कबर्ड आती है जिसके अंदर आप देख सकते हो मैंने जो भी बाकी पैक्ड सामान है वो सारा मंगा के रखा हुआ है, और ये हमारा 1 महीने का राशन है,
उसमें थोड़ा दाल है, थोड़ा चावल नहीं है इसमें, चावल तो बस उतना ही जितना आपने देखा है, और चीनी वगैरह, चाय पत्ती वगैरह, बस यही सारा है। और नीचे जो आप देख सकते हो, इसमें पुराने बर्तन रखे हुए हैं, रेड ट्रे में कुछ पुराने बर्तन हैं, कुछ मेरा कुकिंग का सामान है, ये सारा कुछ रखा हुआ है, हॉट पैक्स रखा हुआ है इसमें। तो बस ऐसे ही मैं इसको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। और कभी कभार ये जो कबर्ड है ना, मैं इसके दरवाजे को बंद करके जनरली रखती हूँ, वरना मेरा बच्चा उसे खोल के सारा सामान गिरा देता है। फिर ये ऊपर हमें दो रैक मिली हैं, जिसमें मैं अपने स्पाइसेस वगैरह और जो भी हैंडी वाला सामान होता है वो मैं रख देती हूँ। तो बस यही है। और बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ हो रहा है आपके किचन में, तो आई नो गाइज, यूज़ हो रहा है और मैं इसको बदलना भी चाहती हूँ। मेरे पास जैसे ही थोड़ा पैसा हुआ, मैं इसको ज़रूर बदलूंगी। तो ये आप मेरा किचन देख सकते हैं। तो गाइज, ये था मेरा वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।